मनाया रे पर कमाल रे मैया को मनाया रे चंदी श्रृंगार करता दूल्हा बना के एक दिन ससुराल की भाभी बोली है रे पूरी का पापड़ी गच्चर हो अपन का को दूल्हा है दूल्हा बनाओ जो कुछ ऐसा होता है। अच्छा काय कर अरे हम ब्याह पर भी जा रहे कितने अपई बहन की मन्नत है मैं तो जमा को ना बिल्कुल ना है तारी शौक से कह रहे हैं भाभी दिमाग खराब नहीं मेरो ना अबे दूल्हा बना दूल्हा बना करके आज ससुराल ससुराल भाभी बोली है मान जा माई काट गई अरे सर पर आगे काट गया नीचे गलैया काटे तो ब्लॉट काटे न मानोगे बिल्कुल नहीं मान जाओ हे मान लो हमें लगा था जे न माने ससुराल की भाभी ने बहुत समझाया ससुराल न माने ना आज हम जाए तो पहले हां तो यार सर्व तो है ना मैं नाने को मैं कहूंगा बिल्कुल ना मान लो तो बहुत बना दूल्हा बना दूल्हा दूल्हा बुला बुला के बहुत समझाओ न माने तो मानो तो आज ससुराल को जैसे ही
भावी नहीं बना जानता तुम का होता हम तो मान लो ना मई जाए। अरे चला दे परना कैसे कहते मैया चला दे परना देखो आजकल लोग जमानो कैसे हो गए आजकल लोग जमानो कैसे हो गए देखो आजकल लोग जमानो तो कौन लाए सुना अब तो चले गए मोबाइल मोबाइल ना पवार नहीं तो कह रहा अब तो कौन लाए अब बेटा ना हो तो ऐसा रखी तो कहा क्या थे दूसरे की शादी देख आई है मम्मी बाप को दूर दूर ससुर है मैं उस शादी करूंगी। अरे बच्चे मेहमान ना परी है वो पूरा नोनी आवे तो ही ना आवे ना कर के रे ना की बेसर आवे हाय दैया बटरिया बड़ी सौगात है मम्मी मैं शादी ना कर रही हैं असो शादी करते ही तो भैया पर सुनो और शादी का कितने हजार देते मैं देख ही कैसे वीडियो कॉल कर हेलो बाबू कहने लगी सभी आए रहो आज इधर हुआ मंदिर के पीछे रुक मैं आकर कन्हैया जी के सवाल पर आ गए कन्हैया जी आ जाओ कन्हैया को फिर रुक मेरे को खाना दे वो खाली बड़ा गया और मैया कन्हैया भी ऐसा करो हाँ अब रुक मेरी मंदिर बाती कन्हैया जैसे आए तो बेटे हाँ जी यार मुझे तो नहीं पता पाई नहीं रुकड़ी खड़ी जैसे रुकमणी हरी अय्या रुकमणी मुझे हाय कैया इतना सुंदर है कन्हैया हैं तेरे कहीं कन्हैया बोले थे मानो कौन सुर को ले के अब मेरी बाप सब एक अच्छे थे तो रुकमणी को पहचान नहीं भाई कन्हैया बोले पता होना कौन सुर को ले लिया तो माने एक दम रुकमणी ने अपना हाथ कर दिया गंगनवार हाथ कर दिया रुकमणी ऊपर कर दिया और जो गोपी थी ना तो खचू तो गोपी खचू तो मोर की पक्की देख रही और कोई गोपी हो गए भैया इतना सुंदर सब गोपी और कन्हैया को निहारना में लगी और
और जैसे कन्हैया रुक्मणी हाथ पर रथ में बैठता है वहां से चले और तब थोड़ी देर भाई सब गोपी जो सगी अति भगी भगी आई रुक्मणी के पास मैया के पास बोल रही कि मैया हाँ मैया कहे हेलो बताओ करिया करिया कर कुटु ले के हरिओ तो कहा बोली मैया मैया लाइन में कन्हैया को भगा क्यों नहीं हो तभी कन्हैया
कभी भी कोई बात आती है तो लड़का को कोई दोस्त नहीं देता, उसको देता है लड़की को।